बड़वानी से एनबीए का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया विश्वासघात का आरोप, कहा देश के किसानों के साथ मोदी ने किया है विश्वासघात। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को लेकर एक दिवसीय धरना शहर के झंडा चौक पर दिया, जहां एनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों से विश्वासघात का आरोप लगाया। मेधा पाटकर ने कहा कि दिसंबर में किसान आंदोलन समाप्त करवाने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया एमएसपी पर कानून, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने शहीद हुए किसानों के लिए ना कुछ किया, ना ही प्रकरण वापसी हुए हैं। मोदी ने जितने भी वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। साथ ही मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार बिजली के बिल बढ़ाने की तैयारी में, जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। मेधा ने कहा कि किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, किसान आज बर्बादी की कगार पर है, जबकि उद्योगपतियों को मुनाफा हो रहा है। मेधा ने कहा कि हमने निमाड़ की प्रमुख फसलों का मूल्यांकन किया और अब उन फसलों के मूल्यों को लेकर आंदोलन किया जाएगा और आगे गए मूल्य निर्धारित न होने तक लड़ेंगे। चाव आंदोलन और नर्मदा नवनिर्माण अभियान की तरफ से जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य होते हुए हम लोगों ने निकाली है विश्वासघात की पोल खोल यात्रा। ये विश्वासघात प्रधानमंत्री जी ने किया है, जब उन्होंने दिसंबर में 3 कानून तो वापस ले ही लिए, उनको लेने ही पड़े, किसानों ने हरा दिया, देशवासियों की माफ़ी मंगवाई। लेकिन उसके साथ साथ जो एमएसपी के कानून के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन उन्होंने लिखित में दिया और 10 दिसंबर को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने मंजूर किया कि दिल्ली का डेरा हटाएंगे, उस पर न उन्होंने कमेटी बनाई, न कार्य कक्षा तय की। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य हमने सूचित किए, लेकिन उन्होंने वो कमेटी पूरी नहीं बनाई और शहीदों को नुकसान भरपाई नहीं दी। और तो और उन्होंने आज तक 50,000 झूठे आपराधिक प्रकरण जो डाले गए हैं उसको वापस नहीं किया है। राज्य राज्य ने, हरियाणा ने किया, पर मध्य प्रदेश ने एक भी प्रकरण आज तक वापस नहीं किया है, जैसे राहुल राज पर डाली हुई केस है। तो ये बात निश्चित है कि ये एक प्रकार से बिजली बिल भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो इस संसद में नहीं रखा। बिजली बिल अगर बढ़ेगा तो शौक लेकर किसान आत्महत्या करे बिना नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति आज कर्जदार हो चुके, आज आत्महत्या करने रहे ऐसे किसानों पर आएगी ज़रूर। तो आज हम लोग इस पोल खोल यात्रा में लोगों को बताएंगे कि आज कितनी गैर बराबरी है इस देश में। अडानी अंबानी रोज के 1,000 करोड़ की कमाई कर रहे हैं और किसान को रोज का 1,000 रुपया नहीं मिल रहा है। तो आज हमने हर फसल का कितना दाम मिलना चाहिए, ये स्वामीनाथन आयोग के आधार पर 1 रुपया खर्च पर 1.5 गुना दाम, इस आधार पर केले का, पपीता का, सीताफल का ही नहीं, सब्जी का भी, लौकी का, भिंडी का, बैंगन का और अनाज का भी, गेहूं का, मकई का, सोयाबीन का, कपास का, हर दाम तय करके घोषित करने के लिए हम आए हैं। और इसीलिए हम लोग आज घोषणा करना चाहते हैं कि अगर स्वामीनाथन आयोग के आधार पर किसान के परिवारजनों की मेहनत का भी दाम लागत में लगाकर 1.5 गुना दाम देना तय करना है, तो जो आश्वासन 2014 के चुनाव में मोदी जी ने हर आम सभा में किसानों को दिया था, जिसका पालन नहीं होने से किसानों को दिल्ली में डेरा डालना पड़ा था, वो आश्वासन अगर पालन करना है तो कितना देना होगा दाम, ये है यहाँ हिसाब। और हमने घोषित करना है कि गेहूं का दाम होता है 1.5 गुना अगर लागत पर देना है तो 5,100 रुपये क्विंटल, मकाई का होता है 5,700 रुपये क्विंटल, कपास 15,900। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।